मामला क्या है, सब लाइन में भीड़, काफी भीड़ थी लाइन में लगे हुए थे, सब लाइन में लगे हुए थे, तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान के तरफ किस झुक रहे हो, तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया, तो दोनों में डंडा चलने लगा, तो सब पीछे भगदड़ हो गया था, आदमी पर आदमी गिरने लगे, काफी भीड़ था आदमी पर, कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। फूल सबसे ऊपर जो फूल माली है ना, वही ऐसे किया था, वही डंडा चलाया था, उसी के वजह से सारा ये सब हुआ। या प्रशासन कोई के वहाँ टाइट नहीं, रास्ता में टाइट था, लेकिन वहाँ पर प्रशासन टाइट नहीं था, एक भी प्रशासन है, प्रशासन के भी कमी है, फोर्स नहीं दिखा। जी नहीं, फोर्स नहीं दिखा, प्रशासन के भी भैया लापरवाही थी, प्रशासन रहता ना तो फिर कैसे जमर गया, सब लाश ढोर लिए, सब इधर उधर छुपाए, उसके बाद प्रशासन टाइट हो गया, तो कैसे फिर आधा घंटा बाद जल चढ़ना चालू हो गया, और सब लाइन में लग गए सब। प्रशासन की लापरवाही किसे मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? मेन कारण तो फूल वाला है, दूसरा कारण प्रशासन है, प्रशासन अगर सही रहता तो फूल वाला माला वाला वो मारपीट नहीं करता, वो घटना मारपीट की वजह से। जी हाँ जी, मारपीट हुआ है, हम लोग एकदम सामने ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है, मारपीट हुआ है जी, हमको भी हम कितना आदमी दबे हुए थे, हम लास्ट पसंद को घींच के निकाला, नहीं तो दो चार मिनट और रहते तो भैया हम भी मर गए। घटना कैसे कैसे घटा? घटना भगदड़ के कारण घटा। अच्छा, तो क्या वहाँ पुलिस थी? पुलिस वहाँ पर एक भी नहीं दिखी, और रास्ता में हर जगह पुलिस थी, लेकिन वहाँ पर नहीं थी पुलिस, वहाँ पर रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। कितना लोग घायल होगा? मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास जी। मौत तो कम से कम 10-15 से कम नहीं हुआ होगा। आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम मनोज सिंह। घटनास्थल पर थे वहाँ? जी हाँ, हमको भी छाप चोट है ना भैया, देखिए ना, सब सब कटा फटा है सब। घर आपका कहाँ है? जी हमारा ये जो सेवन घर है।